असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं ये आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी ये मरियम परवेज़ ने अपनी जो लेटेस्ट ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो थी उसमें पहना था तो उसके लिए मैंने ये डोरियाँ बना के पहले से रखी हुई हैं ये डोरी जो है ये बनाने का तरीका बहुत सारे लोगों को पता होगा जो हम लूप्स के लिए डोरी इस्तेमाल करते हैं ना ये उस तरह बनाते हैं तो जिनको नहीं पता वो मुझे बता दीजिएगा मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी किस तरह बनाना है तो डोरियाँ जो है उनको मैंने तीन तीन इंच जो है आ, के लेंथ उनकी रखी है और कट कर लिया इस तरह अब जो ट्राउज़र स्टिच किया हुआ है उसके पाइचे पे जो है हमने डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए मैंने ये एक पेपर लिया है जितना आपने ट्राउज़र का पाइचा रखना है मैं साढ़े छः रखती हूँ ट्राउज़र का पाइचा सिक्स पॉइंट फाइव तो मैंने ये इस तरह इसकी लेंथ जो है उतनी कट कर ली है इसको फोल्ड किया हुआ पेपर अपने नेंथ लेनी है सिक्स पॉइंट फाइव तो उसके बाद अब इसकी इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रा कर ली हूँ पहले एक साइड पे लाइन ड्रा करें उसके बाद एक इंच के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एक इंच पे यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करनी है ये वाली लाइन जो है पहली लाइन के ऊपर हमने डोरी रखनी है और दूसरी लाइन के ऊपर घुमा के लानी है मैं आगे आपको तरीका बताती हूँ ये दोनों लाइनें ड्रा कर लें पेपर पे ड्रा करने का मकसद ये है कि वैसे ये हमसे नी, नी नीट नहीं लगेंगी इसलिए पहले हम डोरियों को पेपर पे अटैच करेंगे अब इस तरह पहले यहाँ पे एक डोरी रखेंगे फिर थोड़े डिस्टेंस पे दूसरी डोरी रखेंगे और जो हमने नीचे सिलाई लाइन लग, लगाई है ना उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर आपने गौर से समझना है किस तरह इसको पलटना है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर हमने पहले एक डोरी रखी उसके बाद अगली डोरी रखेंगे थोड़े डिस्टेंस के ऊपर तो यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी अब दूसरी डोरी यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे रखेंगे इसके ऊपर भी सिलाई लगा लें जित जितना आपने डिस्टेंस रखना है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना तकरीबन हाफ़ इंच चाहिए। अब ये जो हमने पहली डोरी रखी थी ना इसको ऊपर से इस तरह घुमा के लाना है और जो सेकंड लाइन लगाई थी ना हमने उस वहाँ तक उसका घुमा के ऊपर से वहाँ तक होनी चाहिए उसकी और जब घुमा के लाएंगे तो पहली दूसरी डोरी के साथ जोड़ के लगानी है अब डिस्टेंस नहीं रखना अब जोड़नी है फिर अब अगली डोरी जो है उसको डिस्टेंस रखना है इस तरह और फिर घुमा के ला के उसके साथ जोड़ देनी है अभी मैं इसको तो एक दफ़ा लगा के आपको दोबारा दिखाती हूँ हाथ में पकड़ के दिखाती हैं फिर आपको समझ आ जाएगा ये साथ बिल्कुल जोड़ के रखनी है सर यहाँ देखें पहली डोरी रखी उसके बाद अगली डोरी रखी और फिर पहली को घुमा के दूसरी के साथ रखा इस तरह और फिर अगली डोरी थोड़ी डिस्टेंस पे रखी और फिर घुमा के सेकंड वाली को इस तरह रखा और जब इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा अभी सारी डोरियाँ इसी तरह हमने इसके पेपर पर पे अटैच कर लेनी है अभी इस पेपर को हमने सीधी साइड पर रखना है इसकी ट्राउज़र की और सीधी और सेंटर पे जो है ना आपने ये सेंटर पे रखिएगा सेंटर मार्क कर लें पहले मैंने जो है इसकी लेंथ उतनी ही रखी है पेपर की जितना मेरा पाइचा है अगर आप ज़्यादा लेंथ रख रहे हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं अब जो नीचे वाली लाइन थी ना वहाँ पे हमने उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है जो पहले हमने लाइन ड्रा की थी पेपर के ऊपर उसके बाद नीचे वाली साइड पे हमने कपड़ा अटैच करना है दोबारा एक्स्ट्रा अब एक सीधी पट्टी कपड़े की लेंगे इस तरह डोरियों को सीधा करेंगे तो ये डिज़ाइन बन जाएगा अच्छा ये वाला डिज़ाइन जो है ये स्लीव पे भी बनाया जा सकता है दामन पे भी बनाया जा सकता है इस तरह का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा दामन और स्लीवस पे भी मरियम ने अपनी वीडियो में जो ड्रेस पहना था उसकी दामन पे भी इस तरह का डिज़ाइन था और स्लीव पे भी था तो अब ये देखें यहाँ पे दूसरा पट्टी मैंने एक ली है सिंपल सीधी पट्टी ली है उसी कपड़े की तो इसको इस तरह दूसरी तरफ रखना है और हमने पहली सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देनी है उसकी सिलाई के ऊपर ऊपर लगा देनी है सिलाई जो हमने पहले लगाई है इसके बाद हम इसको कपट्टी को नीचे की तरफ़ फोल्ड करेंगे जिस तरह हम ट्राउज़र का पैंचा फ़ोल्ड करते हैं फिर आप तरपाई करना चाहें तो तरपाई कर लें यहाँ पे हम इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ पेपर को आप फाड़ दीजिएगा यहाँ से सी इस तरह सीधा करेंगे और पेपर को इस तरह फाड़ देंगे अब यहाँ पे आप आयरन से प्रेस कर लें अच्छे तरीके से और कपड़े को फूल नीचे वाले को फोल्ड कर लें इसको इस तरह थोड़ा फोल्ड इस तरह फोल्ड करके आयरन से प्रेस कर लें अब यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है सिलाई लगा सकते हैं तरपाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी मैं तरपाई नहीं करूँगी तो अब इसके ऊपर अगर आप इसी तरह भी डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अगर आप ऊपर वाली साइड पर प्लेट वग़ैरह डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएगा तो ये मैंने सिलाई भी लगा लिया है और ये इसका फाइनल लुक है आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी अच्छी तरह समझ आ गई होगी ईद के लिए अपना इस तरह का ट्राउजर बनाइएगा अपना ख्याल रखें अल्लाह अल्लाफिज